बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर चंद शहजाद, डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज। बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर पावर को डिस्कस किया था, और उस पर क्योंकि पैराग्राफ की शक्ल में सारी चीज़ें दी गई थी, तो मैंने आपसे आपको बताया कि किस तरीके से आपने उसको कन्वर्ट करना है हेडिंग में, और हेडिंग मैंने आपको बनवाई आप लोगों ने। अगर टेस्ट में या कॉलेज के किसी टेस्ट में या एनुअल एग्जाम में अगर पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम या पाकिस्तान का एडमी प्रोग्राम अगर आपने डिस्कस करना है, तो आपने उसको उसी अंदाज में डिस्कस करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यानी उसको पैराग्राफ की शक्ल में या उसको आपने पॉइंट्स की शक्ल में नहीं लिखना, बल्कि बाकायदा उसकी वन वन करके हेडिंग देनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द काज ऑफ द मिलिट्री टेक ओवर ऑफ 12 अक्टूबर 1999। तो मिलिट्री टेक ओवर में जो हम पहले नॉसिक लिखते हैं, टेक ओवर 1999 में मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटा कर, यानी कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, अपना इक्तदार कायम कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अगले 3 सालों के लिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये हुआ कैसे था, यूँ इस तरीके से था कि जनरल परवेज मुशर्रफ वाज अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को अहदे से हटा कर जनरल जियाउद्दीन को उनकी जगह अपॉइंट कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उनकी अपॉइंटमेंट, और जब मुशर्रफ किसी दौरे पे थे, जब वापस आए तो उनके उनका जहाज लैंड नहीं करने दिया गया, तो इट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट थी, स्टेप था, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में लिया गया। तो अचानक टीवी स्टेशंस, रेडियो पाकिस्तान और सारे जितने भी मीडिया इदारे थे, तमाम के तमाम बंद कर दिए गए, और अचानक 12 बजे रात को ये अनाउंसमेंट हुई कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, उनकी सेंट्रल और प्रोविंशियल असम्बलीज को डिसॉल्व कर दिया गया, और मुशर्रफ पाकिस्तान के बनने वाले एक नए डिक्टेटर, ठीक है, चीफ मार्शल लॉ डिक्लेयर हुए, एंड इट वॉज इम्पोज द 4th मार्शल ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी इन 1999 में इम्पोज हुआ। अब उस पर जो डायरेक्शन दी गई जनरल परवेज मुशर्रफ को, उस पर द सिस्टम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ द पावर्स इनिशिएटेड बाय परवेज मुशर्रफ विद द पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें, एक तो लोकल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, द सिस्टम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, उसमें सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का आप एक पॉइंट देंगे, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर उसके बाद जो है वो लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिटन का जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ द रेवोल्यूशन प्लान और सेल्फ गवर्नमेंट वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट अयूब खान ने जो 1959 में बेसिक डेवोल्यूशन
प्लान डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिर ज्यादा ग्लोबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो बेसिक रेवोल्यूशन सिस्टम है जिसको बुनियादी जरूरियतों का निजाम कहा जाता है, ठीक है, बेसिक रेवोल्यूशन प्लान जिसे जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी से कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, सबसे पहले इसकी इसको आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे क्या है। एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी ऐसा निज़ाम जिसमें पावर्स को हायर अथॉरिटी से लोअर लेवल पर मुंतकिल किया जाए उसको लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि जितने भी अखराजात हैं उनको हायर लेवल यानी कि असेंबलियों से निकाल के लोकल गवर्नमेंट डील करना शुरू कर दे उसको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अ गवर्नमेंट बाय द लोकल पीपल हु फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंट द डोमेस्टिक पॉलिसीज एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वो हुकूमत जो आम लोग बनाए डोमेस्टिक लेवल पर खुद पॉलिसीज बनाए, ठीक है, और खुद ही वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट अफेयर्स को रन करें उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इसमें जो हम लोग जनरल अयूब खान के दौर से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उन्होंने डिटेल दी थी, हम लोग जनरल अयूब खान के दौर में जो बेसिक रेवोल्यूशन प्लान डिक्लेयर किया गया जिसको बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम भी कहा जाता है उसमें क्या था, उसमें ये था इसने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम लॉन्च किया, बुनियादी जमहूरियतों का निजाम। अब बुनियादी जमहूरियतों का निजाम क्या था, बुनियादी जमहूरियतों के निजाम में 80,000 इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट किया गया, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का मतलब आपको पता है, यानी ये जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें 40,000 जो अरकान है मेंबर्स है वो ईस्ट पाकिस्तान से यानी कि बंगाल से और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से लिए गए, जनरल अयूब खान ने लिए और वही गवर्नमेंट सिस्टम को चला रहे थे। बाद में बेसिक डेमोक्रेसी में 80,000 तादाद को एक्सीड करके 1,20,000 कर दिया गया, यानी कि 1,20,000 जिसमें 60,000 ईस्ट पाकिस्तान से और 60,000 वेस्ट पाकिस्तान से। अब ये बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम था, पर बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या होगा, यूनियन काउंसिल होती हैं, फिर तहसील या टाउन काउंसिल होती हैं, फिर उसके बाद थाना या चौकियाँ होती हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा ये तहसील काउंसिल है, तहसील काउंसिल के बाद ज़िला काउंसिल है, ज़िला काउंसिल हम लोग इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आप इस पे जो ये जो चीज़ें आप लोगों ने आप इसी इलेक्टोरल कॉलेज के पावर्स को यूटिलाइज करते हुए जनरल अयूब खान ने 1965 में होने वाले जो इलेक्शन हैं उन इलेक्शन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इलेक्टोरल कॉलेज को के पावर्स को यूटिलाइज करते हुए रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम करवा के अगले 5 सालों के लिए खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए। पर जब पाकिस्तान के अगले 5 सालों के लिए वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए तो इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कंडीशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो पॉपुलेशन ने इसके अगेंस्ट चार्ज लिया, बिकॉज क्यों लिया, क्योंकि 1965 के इलेक्शन में जनरल अयूब खान के अगेंस्ट उसके पैरल जो पॉलिटिकल पार्टी बरसरे इक्तदार थी जो इलेक्शन लड़ने वाली थी वो बहुत फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी एंड शी वाज मुहतरमा फातिमा जिन्ना। इसलिए ज
हुकूमत उनकी थी तो ये सारे लोग उनके साथ काम कर रहे थे, वो उनके सारे जितने भी इनिशिएटिव थे उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, इसलिए उन्होंने इनकी मर्जी इन्हीं के वोट को यूज़ करते हुए दोबारा अगले 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो उनकी जो रेपुटेशन थी ऑन द स्टेट लेवल बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हुई, लोग उनके अगेंस्ट हो गए, उन्होंने रैलीज निकाली, लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, पर ये उनके अपने ही तकब्बुर का फल था, क्योंकि इन इस इलेक्शन में जीतने के बाद जो कि उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज के अरकान को यूटिलाइज करते हुए रिफ्रेंडम करवा के ये इलेक्शन उन्होंने जीत लिया, वो ये कहते थे कि आई एम द अनबीटेबल पर्सन, कि मैं एक ना हारने वाली शख्सियत हूँ। तो अल्लाह ताला ने उस तकब्बुर की बुनियाद पर फिर क्या किया, लोग उनके अगेंस्ट हुए, फिर उन्होंने एक अपनी ज़ैली कमेटी बनाई, तहकीकती कमेटी बनाई, और उसी तहकीकती कमेटी ने उनकी असम्बलीज को डिसॉल्व कर, ठीक है, और 1969 में ठीक है जनरल यहिया खान पाकिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग जो हेड है वो अपॉइंट हुए, और 2 साल वो रहे, उसके बाद 1971 में दोबारा इलेक्शन हुए और बंगाल उनसे अलग हो। तो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम ये निज़ाम है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द लॉर्ड रिपन इन 1884 में लॉर्ड रिपन ने इसको शुरू किया था, पर क्यों किया था, साउथ एशिया में एस्टैब्लिश लोकल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल, उसको लोकल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल, लोकल लोगों के, अब जो यूनियन काउंसिल है वो लोगों पर टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनल और जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं लोकल लेवल पर उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करती है, अपनी बाउंड्री एरिया की हिफाजत करती है, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं अपने एरिया में उसको स्टार्ट करवाती है। इट वॉज ये लोकल गवर्नमेंट की एक एग्जाम्पल में आप होते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने स्टार्ट किया 1884 में, वाइस आई लॉर्ड रिपन, ठीक है, ही वॉज इन्फोर्स द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम थ्रू एन एक्ट 1884 के एक्ट के जरिए उन्होंने इम्पोज किया, और साउथ एशिया में एक ऐसा निज़ाम उन्होंने मुतारफ करवाया जो बाद में सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के नाम पर बहुत सी हुकूमतों ने उनसे फायदा उठाया। अब इसी को यूटिलाइज करते हुए जनरल ज़िया उल हक़ के दौर में जब उन्होंने, हमने पहले पढ़ा कि जुनेजो को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर इसी तरह मुशर्रफ के दौर में उन्होंने भी बेसिक रेवोल्यूशन प्लान को का जो है वो इजरा किया, जिसमें शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर बने, रेफरेंडम हुए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत 5 साल तक चलती रही, 2002 में हुए जिसमें ग्रेजुएशन को कंपलसरी करार दिया गया, ठीक है, और उसके बाद जो है 2002 से 2007 तक ये रहे, फिर 2008 में दोबारा इलेक्शन हुए, पीपीपी अपॉइंट हुई, फिर उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया 2013 में, 2013 में फिर वो चली, फिर वो नायब करार दिए गए। तो ये जनरल ज़िया उल हक़ का लोकल गवर्नमेंट जो था, व्हेन ज़िया उल हक़ केम टू पावर द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वाज इन्फोर्स अगेन लोकल एंड इलेक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वर कंडक्टेड ट्वाइस, उन्होंने 2 दफ़ा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए। दिस सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड टू फर्म इट कैप्ट ऑन द ऑन प्रोसेसिंग progressing setup set step by step and majority of the people could not get reasonable benefit from this system, लोगों ने इस सिस्टम से अच्छे तरीके से इस्तेफादा ना हो सके। अब नेक्स्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन काउंसिल है, फिर तहसील काउंसिल है, फिर ज़िला काउंसिल है, उसके लिए हम लोग फिर अगले लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है, सबसे पहले इसमें आएंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने बेसिक जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो कब स्टार्ट किया वो एक्सप्लेन करेंगे, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि लॉर्ड रिपन ने कब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया 1884 में, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। उसके बाद जनरल अयूब खान ने बेसिक जो रेवोल्यूशन प्लान या बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम कब शुरू किया 27 अक्टूबर 1959। फिर जनरल ज़िया उल हक़ ने जो है वो एक इसी तरह का सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। तो ये सारे आपने वन बाय वन इसको डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि आप लोगों
ये आप लोगों ने नाइन्थ में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, यूनियन काउंसिल है, फिर यूनियन काउंसिल के बाद टाउन काउंसिल है, ठीक है ना, टाउन काउंसिल के बाद फिर थाना है, थाने के बाद फिर उसके बाद तहसील है, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आगे कंटोनमेंट बोर्ड आता है। तो ये इस पर नंबर ऑफ पीपल कितने इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से फिर ये आगे चलता है, ठीक है, जितने ज़्यादा वोटर्स होते हैं जिस इलाके में, अब मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि एक तहसील या यूनियन काउंसिल जो होती है वो तकरीबन 500 से 1000 वोटर्स के दरमियान, अब 1 से 2000 वोटर के दरमियान में जो काउंसिल आएगी वो टाउन काउंसिल में चली जाएगी। टाउन काउंसिल के बाद जब तहसील होती है ये 5000 से 10000 के दरमियान, ठीक है, तहसील से फिर डिस्ट्रिक्ट जो होती है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो 20 से 30000, 30000 के बाद आम वर्ड जो है वो फिर कंटोनमेंट बोर्ड आता है, कंटोनमेंट बोर्ड के बाद फिर सिटी है, सिटी के बाद आगे सिटी में आपको पता है कई कई लाख पॉपुलेशन होती है वहाँ पर, लोग जो है वोट कास्ट करते हैं। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट का भी एक हवाला मौजूद है। सिटी डिस्ट्रिक्ट बेटा वो होती है कि जब आप एक ही सिटी को मुख्तल उसकी सब डिवीजन करके उसके एरिया अलग करें, जैसे कराची लियारी में है, ठीक है, लियारी के बाद जो है नॉर्थ कराची है, ईस्ट कराची है, वेस्ट कराची है, तो उसकी सब डिवीजन, अब नॉर्थ कराची या लियारी एक अलग है, ठीक है, उसके बाद जो है इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो फैसलाबाद है, चाहे लाहौर है, इसकी सब डिवीजन होगी। ये तो एक शहर को मुख्तलिफ लेवल पर कैटेगराइज करके उसकी डिवीजन कर दी जाए, सब डिवीजन बना दी जाए, तो उसको सिटी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डेवोल्यूशन प्लान में। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर।